एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो पार्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहला पार्ट 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta और सेकंड पार्ट cot square theta। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए हमें sin theta और cos theta की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अगर हमें sin theta और cos theta की वैल्यू मालूम नहीं है तो हम इस पार्ट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए sin theta और cos theta की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। और अगर हमें sin theta और cos theta की वैल्यू निकालनी है तो हम जो गिवन है हमको cot theta equal to 7/8 उसका इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये क्वेश्चन बना है आपसे। अब हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहला काम हम जब भी हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी हो और हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हो, जैसे इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत है तो वो निकालने पड़ेंगे। निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, जो एंगल होता है उसको यहाँ पर ले लिया करते हैं, ट्राइंगल को नाम दे दिया करते हैं, ये राइट ट्राइंगल राइट एंगल है। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर थीटा के लिए बेस देखा जाए तो ये होगा और थीटा के लिए परपेंडिकुलर देखा जाए तो बीसी होगा। अब बेस कितना है यहाँ पर 7, तो थीटा के लिए बेस ए बी है तो 7 कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 8 और थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना है बीसी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी किसी भी राइट ट्राइंगल में दो साइड गिवन हो तो सबसे पहला काम हम थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है ए सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसके बाद AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है, AB, AB कितना दिया हुआ है 7, 7 की पावर 2 प्लस BC कितना है 8, 8 की पावर 2, so AC स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 64। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू आया 113, हमें वैल्यू निकालनी है AC। अब मैंने बताया था जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके ऊपर स्क्वायर और उसके ऊपर से स्क्वायर हटाकर सामने वाले पे रूट चढ़ा देते हैं 11। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई रूट के अंदर 113, तो रूट 11। अब राइट ट्राइंगल की तीनों साइड हमें हमारे पास है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम साइन थीटा को निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बीसी, बीसी और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा एसी। तो बीसी कितना है हमारे पास 8 और अपॉन एसी कितना है हमारे पास √11। इसी तरीके से कोस थीटा निकालेंगे तो वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और थीटा के लिए बेस क्या होगा एबी, एबी और अपॉन एसी, एबी कितना है हमारे पास 7 और अपॉन हाइपोटेनियस रूट के अंदर 113। अब हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने भी बताया है नीचे कि जब वही ब्रैकेट प्लस में हो और वही ब्रैकेट माइनस में, दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो रही हो और दोनों ब्रैकेट सेम से हो, प्लस और माइनस का फर्क हो तो पहला वाला होता है उसकी पावर 2 माइनस जो दूसरा वाला होता है उसकी पावर 2, सेम कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा, दोनों ब्रैकेट सेम सेम है पर प्लस और माइनस का यहां पर फर्क दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे जो पहला वाला है 1 1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस जो साइन है साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे। इसी तरीके से नीचे दोनों ब्रैकेट सेम सेम, प्लस और माइनस का फर्क है जो पहला वाला है उसकी पावर 2 हो जाएगी माइनस जो दूसरा वाला है उसकी पावर 2 हो जाएगी।
अब इनकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, साइन थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास 8/√113। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस कोस थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास 7/√113। आगे 1 ऐसे ही रहेगा -8 स्क्वायर 64। और अगर किसी रूट वाले के ऊपर स्क्वायर होता है तो उसका रूट हट जाता है, अगर किसी स्क्वायर रूट के ऊपर सॉरी किसी रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो उस स्क्वायर से उसका रूट खत्म हो जाता है। तो इसी तरीके से √113 के ऊपर स्क्वायर है। देखिए ये जो स्क्वायर माना जाता है इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें उन सब को माना जाएगा, तो 8 इसके अंदर 8 भी आ रहा है, रूट के अंदर 113 आ रहा है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और √113 के ऊपर भी स्क्वायर माना जाएगा, रूट के अंदर 113 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा उसका रूट हट जाएगा, आ जाएगा 113 upon 1 minus 7 square 49 और अपॉन रूट हट जाएगा इसका भी, ये चीज आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप, अब ऊपर एलसीएम लेंगे, जब ऊपर आप एलसीएम लेंगे उसके ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा एलसीएम 113 और जिसके फोन में कुछ नहीं होता उसके एलसीएम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1 के फोन में कुछ नहीं बल्कि 113 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई 113 आ जाएगा माइनस जिसके फोन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देते हैं अपॉन, यहां पर एलसीएम लिखता आ जाएगा 113 तो 113 आ जाएगा -49 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 113 में से अगर 64 माइनस होता है 13 में से 4 जाएगा यहाँ पर 49 आ जाएगा और 113 में से 49 माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 64। फर्स्ट वाले का आंसर आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करना है हमको, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो बहुत आसान है। अगर हम देखते हैं हमें कॉट थीटा गिवन है 7/8, हम कॉट स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू हम इसमें से निकालेंगे तो कॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 7/8, तो 7/8 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 49/60। अब देखिए एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर मान लीजिए कोट थीटा या कोई भी कोट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर होता है अगर उसके ऊपर स्क्वायर है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे कोट लिखकर थीटा लिखकर इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, ये गलत है। जो स्क्वायर है ये कोट के ऊपर है, थीटा तो इसका एंगल है तो थीटा तो इसके साथ ही चलेगा, स्क्वायर जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जो स्क्वायर लगता है वो कोट स्क्वायर थीटा पर रहेगा। इसी तरह अगर मान लीजिए साइन थीटा हो उसके ऊपर स्क्वायर हो तो जब स्क्वायर हम खोलेंगे या तो इसको ऐसे ही रखकर रहने देंगे या स्क्वायर हटाएंगे हम तो साइन के ऊपर स्क्वायर आएगा और थीटा ऐसे ही आ जाएगा। हमेशा स्क्वायर जब लगता है ब्रैकेट ओपन करके तो वो साइन या कोट या टेन इनके ऊपर लगता है, जो थीटा होता है उसके साथ ही रहता है, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा रहा। तो सेकेंड वाले का आंसर ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 3 cot A = 4, चेक वेदर 1 - tan² / 1 + tan² = cos² - sin². तो यहाँ पर हमें 3 cot A = 4 दे रखा है और हमसे बोला गया है कि हमें चेक करना है कि 1 - tan² / 1 + tan² = होता है cos² - sin² के या नहीं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले
आप 3 cot A = 4 यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले cot A की वैल्यू आप निकालेंगे, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ में जो होता है वो इक्वल वाले के अकाउंट में आ जाता है, जो cot की वैल्यू निकालनी है साथ में तो इसके अकाउंट में आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए जो हमें चेक करना है उसमें tan A आ रहा है, cos A आ रहा है और sin A आ रहा है, तो हमें ये सारी की सारी चीजें चाहिए होंगी, जबकि तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल में आए। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan A cos A sin A को हमें निकालना पड़ेगा। और आपको ये बताया जा चुका है कि अगर किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन हो, बाकियों की वैल्यू निकालनी हो, तो हम किस तरीके से निकालें, क्या करेंगे। चलिए सबसे पहला काम हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट ट्राइंगल बनाएंगे। राइट ट्राइंगल बनाने के बाद जो भी एंगल इसके साथ है उसको यहाँ पर ले लेंगे, ए बी एंड सी एंगल को हमने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद जो कोण का फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसके हिसाब से ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास 4। अब ए के लिए बेस क्या माना जाएगा, ए बी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, तो 3 कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। अब सबसे पहले हम ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब ए सी की वैल्यू आ जाएगी तो इन सब की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में जब देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हमें फाइंड करना है, ए बी कितना है हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो हमारे पास ए सी इज इक्वल टू √25 आ जाएगा, इसलिए ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ये कितना आया 5। और जब ये आ चुका है तो बस बाकी अब सबकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले टेन कोस साइन आ रहे हैं इन क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले टेन की वैल्यू निकाल लीजिए, टेन ए। अब देखिए जब कोट ए की वैल्यू हमें गिवन होती है तो कोट का उल्टा, यानी कोट का जैसे टोटल भी तो टेन होता है, तो हम क्या करते हैं जो कोट की वैल्यू है उसकी वैल्यू का उल्टा अगर करते हैं तो टेन की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, 3/4 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोस ए की वैल्यू निकालेंगे, और कोस ए क्या होता है आपका, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपो। अब ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए बी, और अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ए सी। ए बी कितना है हमारे पास 4, और अपॉन ए सी कितना है हमारे पास 5। अगर हम बात करते हैं साइन ए की, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी और हाइपोटेनियस ए सी, तो बी सी कितना है हमारे पास 3, और ए सी कितना आ जाएगा हमारे पास 5। अब हमारे पास जो जो हमें जो प्रूफ करना है, जो वेरीफाइड देखना है, जिसको चेक करना है, उसके लिए सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम अब 1 - tan² A / 1 + tan² A = cos² A माइनस साइन स्क्वायर ए को ले लेंगे। और जब हमें चेक करना होता है कि कोई किसी के इक्वल है या नहीं, तो सबसे पहले हम एलएचएस ले लिया करते हैं। एलएचएस कितना है हमारे पास, एलएचएस होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के लेफ्ट हैंड की साइड में जो भी होता है, तो 1 - tan² A और अपॉन 1 + tan² A। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 - tan की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 3/4, 3/4 की पावर 2 हो जाएगा, और अपॉन 1 + 1 + 3/4 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो यहीं से अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो 1 - 3 = 9, 4 = 16, अपॉन 1 + 9/16। उसके बाद ऊपर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 16 एलसीएम आ जाएगा, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है, उसकी एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाती है, 16 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 16 आ जाएगा। माइनस जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को ऐसे ही क्लियर करते हैं इक्वल, नीचे वाले में एलसीएम कितना आ जाएगा 16,
16 एलसीएम आया, जिसके अकाउंट में कुछ नहीं होता उसकी जो एलसीएम आता है उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 1 के अकाउंट में कुछ नहीं है तो 1 की जो 16 एलसीएम आया उसे मल्टीप्लाई, तो 16 में 16 और प्लस जिसके अकाउंट में वही जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देते हैं, 16 से 16 खत्म हो जाएगा, 16 में से 9 चले जाते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास 7, और 16 में 9 अगर प्लस हो जाते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 25। तो जब हमने LHS को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 7/25। अब हम क्या करेंगे, RHS को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो RHS क्या होता है, राइट हैंड साइड जो भी हमें प्रूफ करना है उसमें उसके वो जो भी इक्वल के राइट हैंड की साइड है उसको, तो राइट हैंड की साइड कितना है, cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो cos स्क्वायर, cos की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 4/5 की पावर कितना रहेगा 2, माइनस साइन 3/5 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा 4 की पावर 2 का मतलब 16 और 5 की पावर 2 का मतलब 25, माइनस 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 की पावर 2 का मतलब 25। अब अगर हम इनमें एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 25, जिसके अकाउंट में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं, माइनस जिसके अकाउंट में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को वैसे ही लिख देते हैं, 16 में से 9 जाएगा 7 और अकाउंट में 25। हमने ये देखा कि जब हमने LHS को सॉल्व किया था तो भी आंसर 7/25 आया था, और जब हमने RHS को सॉल्व किया उसका आंसर भी 7/25 आया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, LHS इक्वल हो जाएगी RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को बताने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, आप ही को ये घर पे करना है। अगर हम बात करते हैं 10 a की तो इक्वल टू 1/√3 दे रखा है हमको, और हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो अगर आप देखते हैं तो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसमें क्या क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, कोस आ रहा है, कोस आ रहा है, साइन सी आ रहा है। तो सबसे पहले जो 10 a दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, उससे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख करके एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बनाने के बाद यहाँ पर ए बी और सी ले लेंगे, जो एंगल यहाँ पर दिख रहे हैं वो यहाँ पर नहीं लेने हैं, एक्यूट एंगल ही इनके साथ हमेशा आते हैं, तो ए यहाँ पे ले लेना, सी यहाँ पर ले लेना, और परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर 1 और बेस कितना हो जाएगा √3 ये हो जाएगा, इसके हिसाब से ये वाली साइड आप क्या कर लेंगे, राइट इस्तेमाल करके ये साइड निकाल लेंगे, जब ये साइड आ जाएगी वहां से पहले साइन ए की वैल्यू निकाल लेना, फिर कोस सी की निकाल लेना, कोस ए की वैल्यू निकाल लेना, साइन सी की वैल्यू निकाल लेना, जब इन सबकी वैल्यू आ जाएगी तो इस क्वेश्चन को उतार के इनकी वैल्यू पुट करके सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू करते हैं, थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एक ट्राइंगल है राइट एंगल एट क्यू, जिसमें जो राइट एंगल है वो क्यू पर है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। तो हमें वैल्यू किस किसकी निकालनी है, साइन पी की, कोस पी की और टेन पी। तो सबसे पहले हम जो पी क्यू आर ट्राइंगल है उसको बना लेते हैं, पी क्यू आर, पी और क्यू कहां पर है, राइट एंगल पर, तो ये कहां आ जाएगा, यहां पर, और आर फिर ऊपर आ जाएगा। अब इसमें कुछ गिवन भी है, गिवन क्या है इसमें कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और जो पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर। तो हमें जो है साइन पी कोस पी टेन पी की वैल्यू निकालनी है, देखिए पी क्यू कौन सा है, पी क्यू 5 है, पी क्यू ये है, ये कितना आ जाएगा 5। अब जो पी आर प्लस क्यू आर है वो 25 है, कहने का मतलब ये है कि ये साइड को इन्होंने पूरी दे रखी है मगर इन दोनों साइड का सम दे रखा है।
अगर ये अलग अलग करके इन साइड को दे देते, मान लीजिए अगर हमें एक साइड और गिवन होती तो हम थर्ड साइड निकाल लेते जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कराया और उनकी सबकी वैल्यू हमारे पास आ जाती, मगर हमें यहाँ पर एक साइड गिवन है और बाकी दो जो साइड है इनका सम दे रखा है, तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये कितनी होगी और ये कितनी होगी, ये तो कन्फर्म नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बस पी क्यू हमें यहाँ पर गिवन है, पहले हमें ये भी दोनों निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू हम निकाल पाए। तो अब क्या करते हैं, जब किसी ट्राइंगल में एक साइड गिवन हो और बाकी दो साइड का सम या डिफरेंस, एक एग्जांपल है आपके 8.1 से पहले उसमें डिफरेंस का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो अगर हम एक साइड पूरी दे रखी हो बाकी दो साइड का सम दे रखा हो या डिफरेंस दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सम दे रखा है अगर उनमें हाइपोटेनियस भी मौजूद है तो सबसे पहले आप हाइपोटेनियस की वैल्यू वहां से निकाल ले रहे हैं। तो अगर हम बात करें पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है, जो सम दे रखा है हाइपोटेनियस मौजूद है वो क्या है पी आर, क्या है यहाँ पर पी आर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पी आर इस इक्वेशन में पी आर की वैल्यू निकालेंगे। तो जब इसमें पी आर की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मालूम है जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसे अकेला करते हैं, बाकी सब दूसरी साइड चले जाते हैं, और जब दूसरी साइड जाएगा क्यू आर तो 25 तो इधर ही था, क्यू आर जब इधर जाता है तो किस चीज का हो जाएगा माइनस, तो ये इक्वेशन हम क्या मान लेंगे इसको फर्स्ट। तो मैंने क्या बताया, जब किसी ट्राइंगल में कोई एक साइड गिवन हो बाकी दो साइड का सम या डिफरेंस दे रखा हो, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो सम या डिफरेंस दे रखा है उसमें अगर कोई हाइपोटेनियस है तो उसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। तो जो ये पी आर प्लस क्यू आर है इसमें पी आर हाइपोटेनियस है, तो पी आर की वैल्यू हमने पहले यहाँ से निकाली, तो पी आर की वैल्यू निकाली 25 माइनस क्यू आर आ गई, और इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। अब क्या करना है, अब पी क्यू हमें गिवन खाली 5 सेंटीमीटर, अब हम क्या करेंगे, अब इस राइट ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, इस राइट ट्राइंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर कितना है हमारे पास, पी आर हमको फाइंड करना नहीं, पी आर हमें गिवन है कितना 25 माइनस क्यू आर, तो जहां पर पी आर लिखा हुआ है वहां पे 25 माइनस क्यू आर हम लिख सकते हैं, तो 25 माइनस क्यू आर की पावर 2 इक्वल, अब पी क्यू कितना है 5 की पावर 2 और प्लस में जो क्यू आर है ऐसे ही रहेगा क्यू आर की पावर। अब आपको आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी याद होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होती है, तो ध्यान रखें आप। तो आगे से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो जब यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और फिर प्लस जो क्यू आर है उसका स्क्वायर हम करेंगे तो क्यू आर की पावर 2 हो जाएगा, और फिर माइनस से किसकी मल्टीप्लाई होगी 25 की और QR 25 और मल्टीप्लाई QR और इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 5 की पावर 2 का मतलब 45 और प्लस QR की पावर अब 625 और प्लस QR स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे हम, क्योंकि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 50 QR आ जाएगा इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। अब एक चीज देखेंगे आप, अगर इक्वल के दोनों साइड यानी कि इक्वल के अलग अलग साइड पे एक जैसा नंबर एक जैसे साइन के साथ होता है तो वो कट जाता है, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 3 प्लस एक्स, मैंने यहाँ पर लिखा 2 प्लस 1 प्लस एक्स, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इक्वल के इधर एक्स है और इक्वल के इधर भी एक्स है, यानी कि इक्वल के दोनों साइड में x x है और x जो है दोनों तरफ एक जैसे साइन के साथ, यानी कि x यहाँ पर भी प्लस का है x यहाँ पर भी प्लस का है, तो जब इक्वल के अलग अलग साइड पे एक जैसा नंबर एक जैसे साइन के साथ होता है तो वो कट जाता है। अगर इक्वल के एक साइड होते जैसे मान लीजिए 3 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे होता कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे 3 ले लिया,
इसमें जब इक्वल के एक साइड में होते हैं तो वो एक जैसे साइन पे करते हैं, इक्वल के अलग अलग साइड पे एक जैसा नंबर एक जैसे साइन के साथ करता है, और इक्वल के एक ही साइड पर एक जैसा नंबर अलग अलग साइन पे करता है। तो इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन के इस स्टेप में देखते हैं तो इक्वल के दोनों तरफ क्यूआर स्क्वायर आ रहा है, क्यूआर स्क्वायर आ रहा है, और क्यूआर स्क्वायर इधर प्लस का है और इधर प्लस का है, तो इक्वल के दोनों तरफ क्यूआर स्क्वायर आ रहा है और इसके साइन भी क्या है सेम है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 625 माइनस 50 क्यूआर इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्यूआर की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यूआर की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको अकेला करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 625 को दूसरी तरफ लेकर के जाओ तो माइनस 50 क्यूआर तो ऐसे ही रहा, इक्वल टू 25 यहीं पर रहेगा, और 625 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि 50 क्यूआर इक्वल टू 25 माइनस के 625 तो कितना बचेगा, माइनस के 600 बचेंगे। यहाँ पर माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। क्यूआर की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ में जो होता है वो इक्वल वाले के अपॉन में चला जाता है, जीरो से जीरो खत्म, ये कितना कट जाएगा इससे 12 टाइम। क्यूआर इक्वल टू आ गया हमारे पास 12, तो क्यूआर कितना है हमारे पास 12। अब हमें हर साइड पे निकालनी है, तो जो क्यूआर की जो वैल्यू है अगर वो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं तो जो पीआर है थर्ड साइड वो भी मिल जाएगा। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्या थी हमारे पास, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यूआर, इक्वेशन फर्स्ट ये थी। यहाँ पर पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यूआर कितना था 12, पी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, पी आर कितना आ गया 30। अब हमारे पास अगर हम देखते हैं सारी की सारी साइड्स हमारे पास मौजूद हैं, तो जब सारी की सारी साइड्स हमारे पास मौजूद हैं तो क्या कर सकते हैं हम, अब हम क्या कर सकते हैं, जो साइन पी कोस पी और टेन पी है सबकी वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं साइन पी, सबसे पहला है इसमें साइन। अब साइन क्या होता है, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पी के लिए परपेंडिकुलर, पी यहाँ पर है तो बेस थ्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्यूआर हो जाएगा, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा पी आर। अब क्यूआर कितना है हमारे पास 12 और पी आर कितना है हमारे पास 30। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, कोस पी भी निकालेंगे। जब कोस पी निकालेंगे हम तो कोस पी के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और पी के लिए बेस क्या होगा, पी के लिए बेस PQ हो जाएगा और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका PR। PQ कितना है हमारे पास 5 और अपॉन में 30। इसी तरीके से हम tan P भी निकाल सकते हैं, तो tan P की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P के लिए परपेंडिकुलर तो QR होना है और बेस क्या होना है, QR कितना आ जाएगा 12 और PQ कितना आ जाएगा 5, और यही इसका आंसर है आपका 8.1 कंप्लीट।